नमस्कार नमस्ते एंड मैं आप सभी का स्वागत है पूजा मिश्रा के साथ। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की पांच बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें ईस्ट एशिया सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेंगे। इस सम्मेलन में अमेरिका, रूस और चीन समेत कुल 18 देश सदस्य के तौर पर भाग लेते हैं। यह बैठक शाम 4:30 बजे होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से आयोजित प्रदेश प्रमुखों की बैठक में एक बार फिर शराब और खादी का मुद्दा उठा है। इस बैठक में राहुल गांधी ने सवाल किया, यहाँ कौन पीता है? इस सवाल से कई सदस्य झेप गए और बात आकर नवजोत सिंह सिद्धू पर ठहर गए। इस पर वे बोले, मेरे राज्य में अधिकांश लोग पीते हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों की कमान संभाल ली है। बीजेपी के लिए यूपी फतह काफी अहम है, लिहाजा अमित शाह पूरी टीम के साथ शुक्रवार को लखनऊ पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के कॉलेज में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों ने T20 विश्व कप में भारत की हार का जश्न मनाया है। मंगलवार को मामला सोशल मीडिया पर आने के बाद से भारतीय जनता युवक मोर्चा के पदाधिकारी कॉलेज पहुंचे और उन्होंने छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव करीब 6 साल बाद बिहार में जनता के बीच नजर आएंगे। राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज पूर्व CM लालू यादव प्रचार करने वाले हैं। आज तारापुर और कुशेश्वर स्थान में लालू की चुनाव की सभा है। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।